Find the time period of the motion of the particle shown in figure. Neglect the small effect of the band near the bottom. हमें small effect जो है वो neglect करना है जब bottom पे ball आ जाए. Okay, तो time period हमें निकालना है इस ball का. तो इस केस में ये हमारे पास 10 दे रखी, तो इसके कंपोनेंट हमें लेने पड़ेंगे. तो एक साइन थीटा होएगा, एक कोस थीटा. अगर ये 45 है तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, 45. तो ये हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, ये L1 हो जाएगी, ये L2. इसी प्रकार इसके कंपोनेंट हो जाएंगे एक इधर और एक इधर. यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0. इनिशियल यहाँ पोजिशन है, यहाँ पे वेलोसिटी 0 है, तो नीचे की तरफ आ जाएगी. तो ये हमारे पास ये कॉम्पोनेंट क्या हो जाएगा, एक ये हो जाएगा हमारे पास कंपोनेंट. ये एंगल 45 है, ये हमारे पास 10 है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, 5√2. ओके, ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगी. देन ये हमारे पास क्या आ जाएगी, 0. तो इस केस में ये L1 और ये L2. और ये वाले डिस्टेंस हमारे पास क्या आ जाएगी, 20√3. ओके, तो हमारे पास L1 साइन 45, ये L1 और साइन 45, ये L1 साइन 45 इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारे पास 10 के इक्वल हो जाएगा. तो L1 डिवाइड बाय √2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10. तो L1 हमारे पास क्या आ गया, 10√2, 2 सेंटीमीटर. ये हमारे पास अब L2, ये L2 हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगी, L2 साइन 60, यानी कि L2 साइन 60 इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, 10. यानी कि L2 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 20√3. L2 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 20√3, क्योंकि ये हमारे पास L1 साइन 60 डिग्री और ये L1 साइन 45 डिग्री और ये इसके इसके इक्वल हो जाएंगे, इसके इक्वल हो जाएंगे. देन ये बेस हमारे पास, ये हाइपोटन्यूज, ये परपेंडिकुलर है. तो ये हमारे पास L1 और L2 निकला है. अब A से लेकर ये हमारे पास B पॉइंट है और ये हमारे पास C पॉइंट है. A to B टाइम पीरियड क्या लगेगा, A to B. तो इक्वेशन लग जाएगी S = UT + ½AT². तो S हमारे पास है 10√2 इक्वल टू UT. ये सेंटीमीटर में है, तो अगर मीटर में चेंज करेंगे तो डिवाइड बाय 100 UT + ½ A. A हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन इसका निकालेंगे तो 5√2. एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा इसका, 5√2, क्योंकि ऊपर से ये 0 की वेलोसिटी से नीचे आ रही है, तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, 5√2. इसके दो कंपोनेंट लेंगे हम, तो हमारे पास एक्सेलरेशन 5√2 आ जाएगा. देन टाइम पीरियड T² तो हमारे पास टी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 0.2. अगर इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.2. अब हमें निकालना है बी टू सी भी हमारे पास इक्वेशन लगेगी S = UT + ½AT². तो हमारे पास S की वैल्यू है 20√3 इक्वल टू, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, हाफ इंटू हमारे पास एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, 5√3 एंड T². तो T की वैल्यू की हमारे पास क्या आ जाएगी, 2√2/75, यानी कि 0.16 अगर इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास. तो टोटल टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, टोटल टाइम पीरियड 0.2 सेकंड में नीचे आएगी प्लस 0.16 में ऊपर जाएगी प्लस 0.16 में नीचे आएगी वापस और प्लस 0.2 सेकंड में ऊपर चली जाएगी. तो इस तरह से ये क्या करती रहेगी, SHM करती रहेगी. तो टोटल टाइम पीरियड आ जाएगा हमारे पास 0.72 सेकंड. दिस इज द आंसर.